हेलो गाइस, टेरियम की पिछली वीडियो आए काफी दिन हो गए। आपने शायद सोचा होगा कि अब उनमें कुछ नहीं बचा। चलिए देखते हैं। लगभग 2 साल हो चुके हैं जब हमने जार में एक टेरियम बनाया था और उसमें चींटियों को रखा था। वो अभी भी यहीं रहती हैं। सर्दियों में वो इतना काम नहीं करती और मुश्किल से ही कहीं नजर आती हैं। हमें लगा कि वो मर गई, लेकिन अब उनमें से कम कुछ रेंगती दिखाई देती हैं। 2016 की शुरुआत में ये कुछ ऐसा था। वक्त के साथ साथ ये काफी बदल गया। कुछ पौधे जिंदा नहीं रह सके, बाकी पौधे जिंदा रहे और बड़े भी हो गए। इस तरह की काई इस माहौल में बहुत अच्छे से रहती है। वैसे चींटियों को इन जंगलों में अपना वक्त बिताना अच्छा लग रहा है। वो डालियों पर बहुत तेजी से चल रही हैं। स्टीवन थोड़े वक्त पे वहां दौरा करता है और देखता है कि वो सब ठीक हैं। और कुकी भी यही करती है। शिकारी होने की वजह से ये चींटियां अक्सर दूसरे कीड़ों का शिकार करती हैं। हमने उन्हें खाने के लिए एक चॉकलेट का टुकड़ा दिया। चींटियों के दांत मीठे हो गए होंगे क्योंकि उन्होंने उसे तुरंत खाना शुरू कर दिया। इसमें काफी गर्मी है इसलिए चॉकलेट थोड़ी पिघल गई। आमतौर पर कुछ चींटियां ही ऊपर दिखाई देती हैं जबकि बाकी जमीन के नीचे रहती हैं। लेकिन एक बार जब उन्हें खाना मिल जाए तो वो सभी अपना हिस्सा पाने की कोशिश करती हैं। फिर हमने उन्हें ये दिया और चींटियों को ये ज्यादा पसंद आया। चलिए अब बड़े टेरियम को देखते हैं। 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है जब हमने इसमें जंगल की मिट्टी भर के इसे ठीक तरह से बंद कर दिया था। तब से कई पौधे बड़े हुए और मर भी गए। यहां मरे पौधों को जमीन के नीचे ले जाने के लिए ना ही तो हवाएं चलती हैं और ना ही बारिश होती है। इस वजह से टेरियम एक डरावने जंगल जैसा दिख रहा है। फिर यहां पर कहीं से ये छोटे कीड़े आ गए। ये उनके लिए बढ़िया जगह है क्योंकि ये मरे पौधे खाते हैं और यहां तो मरे पौधे काफी हैं। हम कह सकते हैं कि ये यहां किसी सफाई कर्मी की तरह है। आपको ये नन्हा पौधा याद है जो टेरियम बनाने के 1 हफ्ते बाद उगाया था? अब हम इसे देख भी नहीं पा रहे हैं। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये यहां का सबसे ऊंचा पौधा होगा। खैर, हमें इस एक्सपेरिमेंट में खूब कामयाबी मिली। कई सारे पौधे बड़े हुए और अभी भी जी रहे हैं और यहाँ कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनके होने की उम्मीद नहीं थी।